सब लोग ये मान रहे थे कि अकाली दल के खिलाफ नफरत है और आम आदमी पार्टी स्वीप कर रही है, और उसके बाद बावजूद आम आदमी पार्टी को 25% वोट और अकाली दल को 31% वोट, 6% वोट पीछे। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया। दूसरा, एक कंप्लीटली सब लोग मान रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी मालवा स्वीप कर रही है, इसमें तो किसी को दो राय नहीं थी। आम आदमी पार्टी मालवा स्वीप कर रही है, कांग्रेस माझा स्वीप कर रही है, और दोआबा में टक्कर है। ये मैं तो आप ही लोगों से रोज मुलाकात होती थी, और उसके बावजूद मालवा के अंदर सारी सीटें कांग्रेस ले जाती है, उसके बावजूद। तो ये कुछ समझ के परे है। तीसरी चीज, किसी भी व्यक्ति ने, बहुत सारे लोगों ने ये तो कहा आम आदमी पार्टी की स्वीप है, आम आदमी पार्टी की स्वीप है, मुझे एक भी अब ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा कांग्रेस की स्वीप है। किसी ने भी नहीं कहा कांग्रेस की स्वीप है, और उनकी 2/3 मेजोरिटी। ये भी समझ के परे है। तो फिर हम लोगों ने नतीजों का ये थोड़ी सी बूथ वाइज एनालिसिस की है कि आखिर हुआ क्या। तो मैं आपको इस तरह के कई बूथ हमें मिले, 3-4 बूथ का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे सुजानपुर विधानसभा में विलेज अखवाना बूथ नंबर 73, इसमें हमें 3 वोट मिले हैं, जबकि वहां पे 7 हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कि पिछले 6 महीने से घर 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 जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, और उन 7 वॉलंटियर्स के 17 फैमिली मेंबर्स हैं जो हैं जी सेवन सेवन बूथ नंबर 73 अखवाना गांव है। तो वो 7 वॉलंटियर्स और उनके फैमिली मेंबर 17, वो कह रहे हम तो वोट डाल के आए थे, हमारे वोट कहाँ गए। ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुजानपुर में बूथ नंबर 103 गांव गोसाईपुर, वहां में 2 वोट मिले हैं उस बूथ पे। हमारे 5 वॉलंटियर हैं, उनके 27 फैमिली मेंबर्स हैं जो कसम खा के एफिडेविट देने को तैयार हैं कि भाई हम तो वोट डाल के आए थे, हमारे 27 वोट कहां गए। श्री हरगोविंदपुर में 1 वोट मिला है पूरे बूथ पे, बूथ नंबर 213 खताना विलेज। वहां कम से कम 5 वॉलंटियर्स हैं, वो कह रहे हैं हमारे तो फैमिली, हम हमारे तो वोट हैं, 1 वोट कैसे मिल सकता, हमारे 5 वोट तो आएंगे। खेमकरन में 5 वोट मिले हैं, 9 वॉलंटियर्स हैं, वो कह रहे हैं हमारे वोट तो आएंगे। इस तरह के कई वो बूथ हमें मिले हैं जिसमें जो कहीं 2 वोट, कहीं 3 वोट, कहीं 4 वोट। इसका जवाब कहां है, ये सारे वोट गए कहां। एक मन में ये शक पैदा होता है, कई सारे लोगों का कहना है अकाली दल को और भाजपा के गठबंधन को मुश्किल से 5-6% वोट मिलना था। एक शक पैदा होता है कि कहीं ईवीएम के जरिए 20-25% वोट आम आदमी पार्टी का अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर तो नहीं कर दिया गया है। अभी आप लोगों ने, मैंने कुछ टीवी चैनल्स पे और अखबारों में पढ़ा था, महाराष्ट्र में सिविक पोल्स हुए, वहां पे ईवीएम के ऊपर बड़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसका क्या नाम है आप लोग जानते हैं, श्रीकांत, श्रीकांत एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसको 0 वोट मिले हैं, और वो बेचारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैंने अपना वोट दिया था, मेरी बीवी ने वोट दिया था, मेरे घर वालों ने वोट दिया था, वो वोट कहाँ गए। चलो मान लो मेरी बीवी ने भी वोट नहीं दिया, मैंने तो अपने आप को वोट डाला था, वो वोट कहाँ गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी हुए, उसके अंदर बहुत सारे इस किस्म के मसले निकल के आ रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं ईवीएम मशीनों के ऊपर। तो लोगों का ईवीएम मशीनों पर से विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है,
कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है लोगों का पूरे प्रोसेस पे और मशीनों के ऊपर विश्वास बना रहे इसको कायम करने की, यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसको यू कांट ब्रश इट अंडर द कार्पेट, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। अगर लोगों का चुनाव के ऊपर से भरोसा मिट गया तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। अगर ईवीएम्स के अंदर गड़बड़ हो सकती है तो फिर तो चुनाव को कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो जो लोग भी ईवीएम में गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग तय कर लेंगे भी कांग्रेस को इतनी देनी है, इसको इतनी देनी है और अपने आप को जिता लेते हैं, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। हम ये मानते हैं पंजाब के चुनाव हो गए, ये सारे चुनाव हो गए, अब इन चुनावों को रद्द करना लगभग नामुमकिन है, कानूनी तौर पे भी रद्द करना नामुमकिन है। हमारा मकसद भविष्य है कि भविष्य के अंदर लोगों का इस पूरी चुनावी व्यवस्था के अंदर विश्वास बना रहे। तो एक मांग हम करते हैं, पंजाब के अंदर 32 विधानसभाओं में वीवीपैट मशीनें लगी थी। वीवीपैट मतलब जब आप बटन दबाते हैं वहां जाके और वोट डालते हैं तो उसके बगल में एक प्रिंटर होता है, तो जिसको भी आप मान लीजिए आपने झाड़ू को वोट डाला तो प्रिंटर से एक स्लिप निकलती है, उस स्लिप पे भी झाड़ू बनी होती है। तो आप वो स्लिप तीन सेकेंड के लिए, 4 सेकेंड के लिए आती है, आप देख लीजिए भाई वही जो वोट डाला वही है, और फिर वो स्लिप नीचे गिर जाती है। उन सारी स्लिपों को इलेक्शन कमीशन संभाल के रखता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सारे विधानसभाओं के अंदर ये लागू किया जाए, चुनाव में सब जगह लागू किया जाए, अभी तक लागू नहीं किया गया। लेकिन जहाँ जहाँ लागू किया गया, जैसे इन चुनाव में पंजाब में 32 जगह वीवीपैट की स्लिपें निकली हैं, उत्तर प्रदेश में 20 जगह वीवीपैट की स्लिपें लगाई थी चुनाव आयोग ने, इसी तरह से अन्य राज्यों में। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इन वीवीपैट की स्लिपों की काउंटिंग करा ले, अगर उसके नतीजे ईवीएम मशीनों के नतीजे से मैच कर जाते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि भाई ये सारी फर्जी बातें हैं, ईवीएम बड़ी अच्छी है, ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दोनों में मिसमैच है तो फिर ईवीएम की जगह कुछ और सोचना पड़ेगा। और नतीजे जो भी आए, हम तो कह रहे हैं उसका चुनाव पे कोई असर ना हो, अब चुनाव हो गए चलो खत्म, लेकिन ये वीवीपैट नहीं तो किया क्या था? अगर काउंटिंग ही नहीं करनी इनको, इतने सीरियस डाउट्स के बाद भी अगर इनकी काउंटिंग ही नहीं करनी थी तो फिर ये मशीनें क्यों लगा रहे हैं, क्यों खराब कर रहे हैं? तो हम तो चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयोग से हम चिट्ठी लिखेंगे कल परसों में और ये मांग करेंगे कि भाई केवल और केवल लोगों का भरोसा स्थापित करने के लिए आप इन 5 राज्यों में जहाँ जहाँ वीवीपैट की आपने मशीन लगाई थी उसकी गिनती करवा दीजिए, और जो ईवीएम से नतीजे निकले उससे आप मैच करा दीजिए, उसको पब्लिक कर दीजिए।